इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेड मर्क्यूरी के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हो चुका है आज के टाइम पे, और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रेड मर्क्यूरी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर रेड मर्क्यूरी को आप बेचने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं साफ़ सुथरी बात करूँगा, आपको साफ साफ जो भी सच है वही मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा, मैं सिर्फ आपसे सच के बारे में ही बात करूँगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, चलिए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सोलोटेक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को आप अनेबल करेंगे, धन्यवाद। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेड मर्क्यूरी आखिर है क्या। ये एक ऐसा क्रिस्टल लिक्विड है जिसकी डिमांड इंडिया के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल रही है। पहले भी इसकी डिमांड थी, पर पहले इसकी जो डिमांड है वो ब्लैक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी। अब इसकी जो डिमांड है वो ओपनली मार्केट में आ चुकी है, हर कोई इसका लेनदेन करने के लिए आज के समय पर तैयार है। रेड मर्क्यूरी की शुरुआत रशियन कंट्री से हुई थी। रशियन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट थे, उन सभी के अंदर रेड मर्क्यूरी यहाँ पे यूज़ की जाती थी, और इंडिया के अंदर जितने भी गैजेट या भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट हुए हैं उनके अंदर भी रेड मर्क्यूरी हमको देखने के लिए मिलती है। शटर वाली टीवी जो कि 90s 80s के टाइम पर चलती थी, आज से 30 या 50 साल पुरानी जो टीवी होती थी उनके अंदर रेड मर्क्यूरी हमको देखने के लिए मिलती है। साथ साथ तो पुराने टेलीफोन और उसके अलावा जो पुराने रेडियो होते थे इनके अंदर रेड मर्क्यूरी हमको देखने के लिए मिलती है, और इनके अंदर जो रेड मर्क्यूरी यूज़ होती है वो प्योर एलिमेंट है। एक रेड मर्क्यूरी के पार्ट्स की तरफ से देखा जाए तो रेड मर्क्यूरी भी काफ़ी तरीके की होती है, ये इसमें भी काफ़ी तरह की वैरायटी होती है, पर मैंने आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट बताया है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने आपको यहाँ पे बताया है उनके अंदर हमको प्योर रेड मर्क्यूरी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब इंडिया के अंदर इसका क्रेज काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके डिमांड में है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आपके पास रेड मर्क्यूरी है तो 50 लाख से 1 करोड़ तक बिक सकती है। इस बात को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, अगर रेड मर्क्यूरी आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे प्राइस बता दी है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक इसकी प्राइस हो सकती है, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगोशिएबल भी हो सकता है। दोनों तरीके के टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। साथ साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि रेड मर्क्यूरी क्यों यहाँ पे ज़रूरी है इंडियन के लिए। अब रेड मर्क्यूरी का क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी डिमांड क्यों है, जितने भी रेड मर्क्यूरी के जितने भी क्रिस्टल एलिमेंट होते हैं उन सभी का यहाँ पे यूज़ होता है दो तरीके से। पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर जो होता है उनके अंदर रेड मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है। मान के चलिए कि रेड मर्क्यूरी का जो एक छोटा सा बूंद होता है वो एक छोटे से गाँव को 1 महीने तक रोशनी दे सकता है, इतनी पावर उसके अंदर होती है। साथ साथ एक रेड मर्क्यूरी का अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा बात करें, थोड़ा सा मान के चलिए अगर इसका यूज़ किसी मिसाइल प्रोडक्ट या किसी भी इस तरीके के धातु में किया जाता है तो इससे एक मिसाइल बम भी यहाँ पे तैयार हो सकता है, अगर कोई साइंटिस्ट का सही तरीके से यूज़ करे तो। इसके अलावा कुछ दवाइयों में या भी कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, पर इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं है तो इसको इस लिस्ट में से हम निकाल देते हैं। तो इसका दो तरीके से यूज़ हो सकता है, और ये दोनों तरीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडियन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के लिए। तो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ चुके होंगे कि रेड मर्क्यूरी क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको भी मैंने यहाँ पर प्राइस बता दी है, 50 लाख से 1 करोड़ तक इसकी प्राइस यहाँ पर हो सकती है। तो रेड मर्क्यूरी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी है जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इसका इंडिया में इतना क्रेज चल रहा है, और ये खरीदना बेचना आपके लिए किस हद तक सही रहेगा। अगर आप बेचना चाहते हो तो किस हद तक ये बिक सकता है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो किस हद तक इसको खरीद सकते हैं, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में कवर कर दी है। इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपके पास रेड मर्क्यूरी है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो आप किस तरीके से उसको ढूंढेंगे, आप किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर जाएंगे इसको ढूंढने के लिए, ये सभी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूले सोलोटेक को, ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए अगर आप रेड मर्क्यूरी का व्यापार करना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, देखने के लिए धन्यवाद।